أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما सद्जीम मोहतरम सामिन कराम और मोहतरम नाजरीन अभी आप लोगों के सामने सूरत की दो आयात की तिलावत की गई है आयत नंबर एक सौ पाँच और एक सौ छः की यहाँ पर एक वाक़ा हुआ था तो उसमें अल्लाह तबारक व ताल उस पर तबसरा किया मामला ये था कि एक कमज़ोर मुसलमान ईमानी लिहाज से उसने जो है किसी के यहाँ चोरी की और आटे की बोरी चोरी की और रात में चोरी करके अपने घर लाया लेकिन इस इत्तफाक से बोरी में कुछ सुराख की वजह से आटा गिर रहा था तो वो जो है पूरा निशान बनते हुए उसके घर चला गया कुछ देर के बाद उसको जो है एहसास हुआ कि ऐसा ना हो कि लोग तलाशी करके शक करके मेरे पास घर पे आ जाएँ मैं पकड़ा जाऊं लिहाजा फिर रात ही में वो बोरी को उठा करके एक यहूदी के यहाँ अमानत के तौर पर रख दिया कि उसके यहाँ किसी को शक नहीं होगा लेकिन सुबह में जब शोर मचा और लोग जो है वो निशान को पकड़ते हुए उसके घर पर आए और फिर जो देखे कि निशान जो है फिर एक जा रहा है यहूदी के घर पर तो यहूदी के यहाँ वो आटे की बोरी जो है लोगों को मिल गए तो उसके बाद जो है लोगों ने कहा यहूदियों यहूदी से कि तुमने चोरी की है उसने कहा मैं चोरी नहीं किया हूँ फ़लाँ मुसलमान रात में मेरे पास अमानत के तौर पर ला के रख दिया है तो वो चोर जो था वो कोरा जवाब दे दिया इनकार कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है और उसके डिफेंस में पूरा खानदान आ गया और अपना वाला गैर वाला मामला क्रिएट कर दिया और आपसे सल्लम के सामने मुकदमा आ गया अब शदीद दबाव जब पूरा खानदान डाल रहा था कि यहूदी जो है झूठा है इल्ज़ाम लगा रहा है और ख़ुद चोरी क्या है मुसलमान को फंसा रहा है लहाज़ा उसके साथ सख्ती का मामला होना चाहिए तो ये जो कशमकश मदीने में बरपा थी तो वो इतना शदीद शिद्दत के साथ उन लोगों ने, लोग ने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एज ए बशर होने के नाते मुसलमान जो चोर था उसके ताल्लुक़ से जो है दिल पसीजना शुरू हुआ जिस पर अल्लाह तबारक व ताली ने फ़ौर जो है आगाह कर दिया तो ये वाक़ा है तो आप देखिए इन्ना अनसिकल किताब अबिल हक। बेशक हमने नाजिल किया है आपकी तरफ किताब को हक के साथ लताह कुमा नास ताकि लोगों के दरमियान आप फैसला करें बिमा अरात अल्लाह उस तरह जिस तरह अल्लाह ने आपको सिखाया है अल्लाह तला ने कैसे सिखाया है अदल़स्त का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए फैसले में अपना और गैर नहीं देखना चाहिए बल्कि हक और ना हक देखना चाहिए वला तकुन तकाय खसीमा और आप खयानत करने वाले के लिए जो है झगड़ालू मत बनिए उसके तरफ से तरफदार मत बनिए वस्ता फिर और अल्लाह ताला से इस्तार कीजिए यानी थोड़ा सा जो इनकलनेशन हुआ था उस पर भी अल्लाह टोक दिया कि अल्लाह ताला से इस्तार कीजिए इन्नल्लाह का न गफ़फ़ूर रहीमा बेशक ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है वला लदीना यख्तानून अनफम और आप झगड़ा मत कीजिए उन लोगों की तरफ से जो अपने आप से ख़यानत करते हैं युहिब्बु मन का नौान नसीमा बेशक अल्लाह मोहब्बत नहीं करता है किसी भी ऐसे शख्स से जो ख़यानत करने वाला हो और गुनहगार हो यस्तफ़ून अमिननास वला यस्तफ़ू मिन अल्लाह अब उस चोर के ख़ानदान वालों को अल्लाह ताला जो है एहसास दिला रहा है कि ये लोग लोगों से डरते हैं छिपते हैं अला और अल्लाह से नहीं छिपते वह व माहम ईज़तून दारा लेकिन वो उसके साथ होता है जब वो लोग रात में सरगोशियाँ करते हैं मीटिंगा करते हैं साजिशें करते हैं माला यर्जा मिनल उस उस बात का जो अल्लाह को पसंद नहीं वकान अल्लाह बिमाुन महीता और अल्लाह तला अआ है जो कुछ भी वो कर रहे हैं हाँ तुम हाउला जादल तुम अन हम तो ये तुम लोग हो जो हजतबाज़ी करते हो मुजादला करते हो लड़ाई करते हो उनके बारे में फ़िल हयात दुनिया दुनिया की ज़िंदगी में यानि दुनिया में तो उसके सपोर्ट में आ गए लड़ाई कर लिए झगड़ा कर लिए फ जादल आन हम यलक्याम तो कौन अल्लाह ताला से झगड़ा करेगा उनके बारे में क्यामत के दिन मैं यकून आलिम वकीला या कौन उसका जो है वकील बनेगा वह मैं अमल सुवन और यजलि नफ्स और जो कोई भी बुरा अमल करेगा या फिर अपनी जान पर जुल्म करेगा सुम्मा यस्तफ़िर और फिर अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करेगा या गफूर गफ़ुररिमा तो ता अल्लाह ताला को गफूर रहीम पाएगा यानी यह सही अमल अल्लाह ताला ने बताया कि किसी भी इंसान से ग़लती हो सकती है बड़े से बड़े मोमिन से मुतकी से भी गलती हो सकती है तो उसमें जो है सही तरीक़ा यह है कि अगर ग़लती हो जाए तो गलती पर अड़ना नहीं चाहिए और एक गलती को छुपाने के लिए सौ गलती नहीं करनी चाहिए बल्कि सही तरीक़ा यह है कि फ़ौर जो है नादिम होना चाहिए गुनाह से तौबा करना चाहिए और अल्लाह ताली से इसफ़ार करना चाहिए तो अल्लाह तै माफ़ कर देगा वमई यकसिस्मन फ़ैनमा यकसिफाल नफसी और जो कोई गुनाह कमाएगा तो उसका वबाल उसी पर होगा वकान अल्लामन हकीम और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है और कमाल हिकमत वाला है लेकिन इसके बरक्स वमाई यकसिफ़ ख़तीयतन और और जो शख्स को ख़ता किया या गुनाह कमाया सुर में भी बरियन फिर एक जो है बड़ी इंसान पर उसको फेंक दिया यानी इल्ज़ाम लगा दिया फ़द्दी तम अला बोहतान व इसम मुबीना तो उसने तो एक बोतान उठाया और शरीफ गुना कमाया तो ये जो है एक गलती को छुपाने के लिए सौ गलती एक झूठ को बचाने के लिए सौ झूठ ये अल्लाह को पसंद नहीं है वलोल फजल आल का वराम हो और अगर अल्लाह का फजल ना होता ए नबीसम आप पर व रहमत हो और अल्लाह की रहमत ना होती लहमत तायफ़त मिन होम तो उनमें से एक ग्रुप तो ऐसा था जिसने ठान लिया था कहीं यू झल्लु कि आपको सीधे रास्ते से भटका दे यानी आपसे ग़लत फैसला करा दे। वमा यु जिल्लू इल्लानफसों। और वो लोग गुमराह नहीं करेंगे मगर अपने आप को वामा युना का मिनशी और वो लोग कुछ भी आपका नुकसान नहीं पहुँचाएंगे यानी जो हक है वो फ़ैसला कीजिए ये एड़ी चोटी का जोर भी लगा लेंगे आपका कुछ नुकसान नहीं करेंगे व अनु कल किताब विकम और अल्लाह ताली ने नाजिल किया आप पर किताब और हमत वालम का मालम तक तालम और अल्लाह ने सिखाया है वो चीज़ जो आप नहीं जानते व कान फजल आलै काजीमा और अल्लाह का फ़ल बहुत अजीम है आप पर यानी अल्लाह ताली का बहुत अजीम फ़ल हुआ है आप पर लाखे रफ़ी कसीर में नजवाऊन इनके अक्सर व बेशतर सरगोशियों में कोई खैर नहीं होता इलामन अमर अब सदा सिवाय उस शख्स के जो सरगोशी करे किसी को सदका का हुक्म देने के लिए और इन या कोई मरूफ बात बताने के लिए और इस्लाह बी नन्नास या फिर लोगों के दरमियान सुलह सफाई कराने के लिए ये तीन काम के नीयत से जो है अगर कोई सरगोशी करता है काना पसी करता है तो ये जो है अच्छी चीज़ है वरना जो है अक्सर व बेशतर जो सरगोशी में खैर होता ही नहीं वमयया फल और जो कोई भी ये काम करेगा सरगोशी करेगा इन नीयतों की वजह से इस तरह के असलाह की नीयत से इब्ताह मरजात अल्लाह अल्लाह के खुशनुदी चाहने के लिए फसो फनूती अजर नजीमा तो अन करीब हम उनको अजर अजीम से नवाजेंगे लेकिन इसके बरक्स वमय शाक़िक रसूल जो कोई मुखालफत करेगा रसूल से दुश्मनी करेगा रसूल से मिमबाद मातबैयादा बाद इसके कि उसके लिए हिदायत वाज हो गई है कि क्या सही है क्या गलत है वैद तब ग सबीलमिन और वो पैरवी करेगा मोमिनों के रास्ते के अलावा मोमिनों का रास्ता क्या है समेना वाताना और गैरमिनों का रास्ता क्या है मुनाफिक का समा वासना तो मातवल्ला तो हम उधर ही पलटा देंगे जिधर वो पलटा है और ही जहन्नम और उसे आग में झोंक देंगे वसात मसीरा और क्या ही बुरा ठिकाना है इन लायक फिर कभी वयफ़ फिर मादू नजाल कल मैशा बेशक अल्लाह ताला नहीं माफ़ करेगा कि उसके साथ शिर किया जाए वय फिर मादू नजाल कले मैशा और वो माफ़ कर देगा उसके अलावा जिसके लिए चाहेगा यानी शर्क जो है बिना तौबा से माफ़ नहीं होगा और शर्क के अलावा जो गुनाह हैं अल्लाह ताला तौबा के जरिए माफ़ करेगा बिना तौबा के जरिए भी जिसके लिए चाहेगा माफ़ कर देगा जिसके लिए चाहेगा नहीं करेगा यानी दूसरे गुनाहों के लिए भी ओपन लाइसेंस नहीं है लेकिन शर्क के लिए ये कन्फर्म है कि अल्लाह तिना तोबा के माफ़ नहीं करेगा हम यह शर्क जो कोई भी शर्क करेगा अल्लाह के साथ फ़क़ल जल बीदा तो बस वो तो दूर की गुमराही में चला गया यहाँ से लौटना बहुत मुश्किल है ईदून इल्ला लिनासा ये लोग नहीं पुकारते हैं अल्लाह को छोड़ कर के मगर चंद मानस नाम को यानी जो देवी देवता के अक्सर पर बेशतर नाम थे ये मोनस थे और ये लोग जो फरिश्तों को भी पूछते थे कहते थे कि फ़रिश्ते जो अल्ला है अल्लाह की बेटियाँ हैं वहीं शैतान और ये अध नहीं पुकारते हैं मगर सरकश शैतान को यानी शैतानी ने पट्टी पढ़ाया है उसी परमल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये शैतानी की बात पे काम कर रहे हैं लान्ला उस शैतान जिस पर अल्लाह की लानत हुई है वक़ाल तज़न इबाद का नसीब मफरूज़ा और उस शैतान ने कहा था कि मैं लाजमन आपके बंदों में से एक मुकर हिस्सा ले कर ले कर रहूँगा मतलब कि मैं अपने साथ उसे भी जहन्नम में ले जाऊँगा वालन हम वलोम न हम और हम उन्हें गुमराही का रास्ता दिखाऊँगा वाल मन हम और उन्हें जो है तरह तरह के जो है ज़िल्लन न हम उन्हें गुमराही का रास्ता दिखाऊँगा वाल मन्यन्ना हम और उसको तरह तरह की तमन्नाएँ दिलाऊँगा वला आम रन्न हम और मैं लाज़मन उन्हें हुक्म दूंगा तो फल बदत कन् आज़ानल नाम तो वो जो है चौपायों के कान काट के जो है छोड़ देंगे वला आम रन्न हूँ और फिर मैं उन्हें हुक्म दूँगा तो फलन ख़लकल्ला तो फिर अल्लाह की तख्लीक में वो तगैर करेंगे व मै तखजशैतान वली जमिंदून तो जो कोई भी शैतान को वली बनाएगा अल्लाह को छोड़ कर के फ़कद ख़रा खुसराना मुबीना तो वो तो जो है खुली खुला खसारे में जब पड़ गया याद हम वन्नीम वो वादा करता है और उसको जो है दिलाता है व माँ याद इल्ला अल्ला और शैतान का वादा उनसे नहीं है मगर धोखा है उलाय का मामाहम जहन्नम ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है वला ये जदून अनहहा महीसा और वो लोग वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं पाएंगे इसके बरक्स वदीन आमन व आमिलहत वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे आमाल करेंगे तजरी मिन तजरीत नहार अन करीब हम उन्हें दाखिल करेंगे ऐसे बागात में जिनके दामन में नहरा बह रहे होंगे ख़ालदीन फ़ीहा आबादा जिसमें वो हमेशा हमेश रहेंगे वाद अल्लाह हक्का ये अल्लाह का वादा हक है वमन असदक मिन अल्लाह क़िला और अल्लाह से ज़्यादा सच्चा कौन हो सकता है बात के अतबार से लई सब अमानी युम वला अमानी यहल किताब ए मुसलमानों ना तुम्हारे ख्वाहिशात पर ना अहल किताब के ख्वाहिश पर आखरत का दारो मदार है वहाँ क्या मामला है तो मैमल सुजी जो कोई बुरा करे बुराई करेगा युज्बी उसकी सजा दी जाएगी वला यजिद वली यम वाला नसीरा और वो नहीं पाएगा अपने लिए अल्लाह के मुकाबले में कोई भी हिमायती, कोई भी मददगार व मैमल में न और इसके बरस जो कोई अच्छे अमाल करेंगे मिन करूँ व उनसा चाहे वो मर्द हो औरत हो वह हो मोमिन मगर एक शर्त है कि वो मोमिन हो फलून तो बस ये वो लोग हैं जो दाखिल होंगे जन्नत में वला ऊनाक़ीरा और उन पर धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा यानी उसकी नेकी को जो है इग्नोर नहीं किया जाएगा वाम अहसन ममन असलमा वजह और उससे हसीन दिन किसका हो सकता है जिसने अपना चेहरा हवाले कर दिया हो अल्लाह के लिए वह वह मोहसिन इस हाल में कि वह एहसान के लेवल पर पहुँच गया हो अवतबा मिलत इब्राहिम हनीफा और इतबा कि हो इब्राहीम के नक्श कदम की जो बिल्कुल यकसू था इब्राहीम के नक्श कदम क्या है कि इस कल रब्ब असलम कला असलम तला रब्बालम जब भी उसके रब ने कहा कि फर्मा बरदार हो जा उन्होंने कहा फर्मा बरदार हो गया इब्राहिम खलीला और अल्लाह ताला ने तो इब्राहिम को खलील बना लिया था जिगरी दोस्त बना लिया था वलिल्लाफ़ी समावत व ममाफ लर्स अल्लाह ही के लिए हर वो चीज़ जो आसमानों में है हर वो चीज़ जो ज़मीन में है व कान अल्ला बिकल शय मुहीता और अल्लाह ताला हर चीज़ का अहाता किए हुआ है वयस्तफुना का नसा और ये लोग आपसे औरतों के बारे में फ़तवा पूछते हैं भलील्लाफ्तीफ़ी हिन्न आप कहिए कि अल्लाह ताला बताता है तुमको उनके बारे में फतवा वमायतल आल कमफिल किताब और जो तिलावत की जाती है तुम पर किताब में यानी ये इशारा है इसी सुर नसा के आयता नंबर तीन की तरफ कि अगर तुम्हें अंदेशा हो यतीम के बारे में तो तुम जो है उनसे निकाह ना करो उनके अलावा जो भी पसंद हो तो दो कर लो तीन कर लो चार कर लो लेकिन यतीम तो वो किसके बारे में था तो अल्लाह कहा कि तो वमायतला आल फिल किताब जो कुछ भी तिलावत की जाती है तुम पर किताब में यानी आयत नंबर तीन में तो किसके बारे में फ़ी यमसा यतीम बच्चियों के बारे में अल्लातूतू नन्ना मागत वलन्ना कि तुम जिनके लिए तुम नहीं देते हो वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने उनके लिए लिख दिया है यानी महर अवतर गबून अंतन के होन्ना और तुम चाहते हो कि उनसे निकाह करो तो उनके बारे में मना किया गया कि उनके शोहर बनने के बजाय तुम गार्जियन बन जाओ उनके अवलमस तदफ़ी अमिनदान और वह कमज़ोर बच्चों के बारे में कमज़ोर बच्चों के प्रॉपर्टी है उसके बाप का इंतकाल हो गया यतीम बच्चे हैं अब उसके प्रॉपर्टी को पे आंख रखते हुए जो है उसकी माँ से शादी कर रहे है। ताकि इस माँ के साथ बच्चे की प्रॉपर्टी हमारे हाथ आ जाए तो अल्लाह ताला ने कहा इस नीयत से निकाना करो वान्तक लिलियतम बिलकस्त और ये कि तुम कायम हो यतिमों के लिए अदलक़िस पर इंसाफ़ पर वमा मिन खैरिन आज जो कुछ भी तुम खैर करोगे फ़ैन लबली तो बेशक अल्लाह ताला उसका जानने वाला है व निमरातन खाफत मब्बाल नशूज़न वाजन और अगर कोई औरत ऐसी हो कोई बीवी ऐसी हो जिसे अंदेशा हो अपने शोहर की जानिब से नाफरमानी का या फिर बेतवज़ही का तो फ़ला जनाह अलिमा युसलह तो कोई हर्ज नहीं है उन दोनों पर कि वो दोनों सुलह कर लें बई सुलह आपस में बेहतरीन सुलह वसल व ख़ैर और कर लेना ही बेहतर है वह ज़ैरतलनफस शोह और नफ्स को तो हाजिर कर दिया जाता है लालच के या कर दिया गया है लालच के यानी अल्लाह ताला इशारा दे रहा है कि कोई औरत है और उसका शोहर जो है उसकी बात नहीं मानता है या फिर तोह नहीं देता है तो औरत अगर जो है कुछ दे उ करके अपना जो है एट्रेक्शन खींचती है शोहर से और इस तरह फिर जो है अच्छे से ज़िंदगी को सवार करती है तो इसमें कोई मज़ायक नहीं व इन तह से नू व तको और ये कि तुम लोग एहसान के रविश पर कायम रहो व तद तको व तकवा की ज़िंदगी गुजारो फैन अल्लाह का न बे माता खबीरा तो बेशक अल्लाह ताला जो कुछ भी तुम लोग कर रहे हो उससे बाखबर है वलन तस्तिवंतादलबैन नसा वलो हरस तुम और तुम लोग इस्तात ही नहीं रखते कि तुम अदल कर सको बीवियों के दरमियान गरचे तुम कितने ख्वाहिशमंद हो जाओ ये पॉसिबल ही नहीं है कि दिली इनकलाशन जो है हर बीवियों के दरमियान इक्वल जो है डिवाइड हो सके क्योंकि दिल पर किसी का अख्तियार नहीं है हाँ आप गिनती के चीज़ को जो है वो बराबर करने की कोशिश करें अलाएकल्लफुल्ला नफसन के तहत जो है अल्लाह तला नहीं पकड़ेगा तो फ़ला तमीलू कुल्ल मैल फतः जरोहा कलमाग तो तुम लोग जो है एक ही तरफ पूरे के पूरे माइल ना हो जाओ कि बस दूसरे को जो है लटकते हुए छोड़ दो यानी बैलेंस करने की कोशिश करो लेकिन कितनी भी कोशिश करोगे तो हंड्रेड परसेंट नहीं होगा लेकिन तुम्हारी पूरी कोशिश हो कि हम जो है इसमें अदल से काम लेंगे इंसाफ से काम लेंगे तो व इन तस्वो अगर तुम लोग इसलाह करो तकवा की ज़िंदगी अख्तियार करो पर का गफ़फ़ूर रहीमा तो बेशक अल्लाह ताला तख्शने वाला है रहम करने वाला है वहीं तो फर्रका फर्रका्लासती और अगर वो दोनों जुदा हो जाते हैं बात नहीं बन पाती है तो अल्लाह ताला, ताला बेनियाज कर देगा हर एक को अपने वसत से वकान अल्लाह वासन हकीमा अल्लाह तसत वाला है और हकमत वाला है वलिल्ला ही व माफिल्लड़ अल्लाह ही के लिए हर वो चीज़ जो आसमानों में है और ज़मीन में है वलकद वसैनदीनआतुल्कताब अमिन कबल मन अनतुल्ला और यकीन हमने वसीयत की थी उन लोगों को जो जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई थी और तुम्हें भी वसीयत कर रहा हूँ कि अन तकुल्लह के, के अल्लाह को नाराज़ करने से बचो व इन लेकिन अगर तुम लोग इनकार करते हो बात नहीं मानोगे फ़ैन ना माफ समावत वमाफ लर्द तब बेश के लिए हर वो चीज़ जो आसमानों में है और हर वो चीज़ जो ज़मीन में है वकान अल्लाह ग़नी हमीदा और अल्लाह तेनियाज है और सतुदा सिफ़ात है अपने आप में काबिल तारीफ़ कोई करे या ना करे वाल माफ समावत वमाफ लर्द और अल्लाह ही के लिए हर वो चीज़ जो आसमानों में है और ज़मीन में है वकफ़ा बिल्ला वकीला और अल्लाह तला काफ़ी है कारसास के लिहाज ई जिकमास अगर अल्लाह चाहे तो ए लोगो तुम सब को यहाँ से ले जाए फिना कर दे व यात ब आख़रीन और एक दूसरी मखलूक दूसरी कौम तुम्हारी जगह पर ले आए वकान अल्लाह हो अल्ला जाल का कदीरा और अल्लाह ताली इस पर कदिर है मन कान रीदाबत दुनिया तो जो कोई भी जो है दुनिया के बदले का तालिब होगा तो फ़ैंद ला सवाब दुनिया वाला आखिर तो बस अल्लाह के पास तो दुनिया और आखिर दोनों का बदला है तो तुम एक ही क्यों मांग दो? दोनों मांगो वकान अल्लाह समीम बसरा और अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ सुनने वाला सब कुछ जानने वाला है तो ये जो है यहाँ तक मुकम्मल हुआ अब इसके बाद इन आ गए बारक अल्लाह वलकम फिलाया तो वजह हकीम